मेरा मौज दा दरिया खोलो रहम दी गली। कारोबार सारे मुल्क फैल गया, हूं असी सारी दुनिया फैला रहे हैं। मैंने सुन के वाकई बहुत खुशी हुई है, सिर्फ तुहाडी सरपरस्ती की जरूरत है, बाकी सब ठीक हो जाए। डिप्टी बिलाल सर, एदे कोलों हीरोइन बरामद हुई है, एदा पर्चा कट। जनाब जो हुक्म की तामील इस कम तरीन का फर्ज है, लेकिन लेकिन की पर्दे की गल है सर, जी सब के सामने नहीं कर सकता। अकबर खान की हो गया तेन, इतने सारे अपने महकमे के बंदे ने, इन्होंने को लुका तू खुल के गल कर, की कहना चाहता है? खुल के गल कर अकबर खान, डिप्टी साहब न दस के मैं कौन हाँ, कौन है मुख दुश्मन से कौम का कातल? ये सर हमीद शाह साहब ने। कौन हमीद शाह? एक सियासी पार्टी का लीडर। एक सबक वजीर की चौथी बीवी का तीसरा पुत्र भी है। अच्छा, इदा मतलब नस्लन बद फितरत ते। एक बस्ता बेदा बदमाश भी है। बड़े कटना वा मैं दी बदमाशी, तो एक कम कर अकबर खान, ये पर्चा तेरी तू कर लिखवाना, मैं वहां देखना यदि सिफारिश कौन करता है। ले। हेलो जनाब अली। जी जी जी, डिप्टी साहब मौजूद ने सर। जी सर, मैं खुदा दा गल करना चाहते हैं।
हेलो जी, मैं बिलाल। जी जी जनाब जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी जी, पर्चा हाली कच्चा भी नहीं गया, लेकिन पर्चा कच्चा तो मैंने कोई रोक नहीं सका। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, मैं जरा माफी चाहना, मैं जनाब मैं ए हो नहीं सकता, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी सॉरी जी, नहीं मैं कह देता नहीं। हमेशा गलत जी, डीएसपी बिलाल खान बोल रहे। जी जी सलामकुम सब बोल रहे हैं। जी जी जनाब जी, नहीं जनाब मैं आई एम सॉरी मिनिस्टर साहब, मैं मुजरम हूं, आप खड़े हैं। जी जी नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं माफी चाहना। मैं जी जी नहीं, मैनू वर्दी शर्दी की कोई परवाह नहीं, नहीं सॉरी, मैं बस जो मर्जी तुसी करो, मैं नहीं कर सकता। मैं क्या मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। हेलो डीएसपी बिल, यस सर, आई जी सर, यस सर, यस सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं आई एम सॉरी सर, मुल्जिम नु मैं आप खड़े है, मैं कम नहीं कर सकता सर। इस सियासत के मुलाजमत तुहाडा कम है, तुसी जाओ, मैनू मुलाजमत की कोई परवाह नहीं। मैं कौम के कातल नु नहीं माफ कर सकता, मैं अदालत च ले जावांगा सर, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। हाँ हीरोइन लिख, हेलो यस सर, आई जी साहब मैं पहले भी कह चुका वहां, मैनू नहीं छड़ सकता। जी तरक्की, मेरी तरक्की, सॉरी सर, जब मुलजिम नु छड़ के तरक्की मिलती है तो फिर नहीं चाहती है मैनू यह जी तरक्की, तो मैनू यह वर्दी उतार देनी चाहती है सर, आई एम सॉरी। ये क्या तरीका है बिलाल खान? कानून को खुदा हाफिज कहने का इससे बेहतर और कोई तरीका मेरे पास नहीं सर। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो टोपी जिसे हर एक के कदमों पर रखना पड़े उसे सर पर रखने का क्या फायदा सर? वो पेटी जो मुल्जिम की धमकी पर ढीली हो जाए उसे उतार ही लेना चाहिए। इस्तीफा मैंने आपके सामने रख दिया है सर, उसे मंजूर कर लीजिए। उस मुलजिम को मैं बहुत आगे ले गया हूं, बहुत आगे पहुंचा दिया है सर उसे। इसका मतलब है तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। हुक्म माना है सर, लेकिन आपका नहीं, अपने जमीर का। कानून पर अमल किया है मैंने सर। आप कैसे आई जी हैं? एक मुजरिम की सिफारिश करते हैं? क्यों जिद क्यों कर रहे हो बिलाल खान? मुझ पर कितना प्रेशर है, सूबे से लेकर मरकज तक उस मुलजिम की रिहाई के लिए तरह मच गया है। तो फिर मेरी तरह ये वर्दी उतार कर एक मिसाल बन जाइए आईजी साहब, बता दीजिए दुनिया को सर, पुलिस जब तक सियासत की गुलाम रहेगी ये मुल्क तबाह बर्बाद होता रहेगा। पुलिस को जब तक तबाहों की तरह नचाया जाता रहेगा इस मुल्क के कानून का कोई एहतराम नहीं करेगा सर। पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आहिस्ता बोलो बिलाल खान, मैं इन तमाम बातों को समझता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल रह गए। आप 2 साल और रहकर कानून को फांसी पर चढ़ाते रहे सर, लेकिन मैं जान गया हूं ये वर्दी पहनकर न कानून की हिफाजत हो सकती है न ही अवाम की खिदमत। आज के बाद मैं इसके बगैर अवाम की खिदमत करूंगा, हर बुरे आदमी की मौत बनूंगा। खुदा हाफिज। पुलिस विच परती हो तो पहला लोग की बिलाल खान नू प्यार नाल बिल्ला कहंदे सन। आज तो बाद मैं डिप्टी बिल्ला वा, डिप्टी बिल्ला। Thank you.
तेरा ही फिर सब कुछ अच्छी ना तू मेरी आवाज थी डोली पा दिता आ ले अपनी फीस नहीं है कि तू देनी है दो नौकरानियां एक नौकर हजार हजार रुपया इस गल दिता है कि मुंडे नू सुहाग रात गुजारन तो पहले इस गल का पता ना लगे कि तेरी फीस लंघड़ी है वो रकम मैं अपनी फीस क्यों नहीं तू देनी है नाराज क्यों नहीं है पैर सीधा पैसे भी खड़ी गल लै नी पैसे तो सारी गल होर ले पैन बुरा ना मना ही पैना असल च मैं अपनी फीस जरा टोक बजा के लैनी हाँ वो ऐस लई कि मैं किसी की धी का बुरा नहीं सोच सकती मैं तो आप धियां वाली हाँ जरा फ्रेस तेरी मां तो सीता बचोल ने रल के मनु सीता ओरी सजा तेन पकड़नी पेगी इस दई के मैं तेरे की दंगड़ी टीवी की वसाखी नहीं बन सकता निकल जा मेरे करो मेरे नसीबों का सूरज से ओवे रूप हो गया थी जो मैं तेन अपनी बीवी कबूल कर गया बीवी नहीं मैं कुछ नहीं समझ के अपने कदम जगह जगह सता पर मेरे गली का कूड़ा समझ के जरूर बाहर ना कटो तेन कूड़ा नहीं तेरी मां के पड़ाते का सबूत समझ के मैं तेरू तलाक तू दवाऊंगा मैं तेरू तलाक दे दूंगा बानो बानो किसे चली गई है समझ गई तू जवानी की दलील टप के बुढ़ापे के वेड़े च कदम रख लिया ऐसे तेनू हर आन जान वाली जंज अपनी आन वाली जंज की उड़ीक ला दिंदी पर तू की जाने सीए ए रिश्ते कराने के कारोबार में क्यों शुरू किए ने ऐसे लिए तो शुरू किया कि अपनिया धियां लई मैनू चंगे रिश्ते लभण च आसानी हो जाए पर हुण तिकर ते कोई भी चंगा रिश्ता नहीं लभा जिहदे नाल मैं तेरे नसीब जोड़ दिया पर मैनू यकीन है मैनू पूरा यकीन है कि बहुत छेती मैं तेरे लिए कोई इहो जिहा चंगा रिश्ता लभ लांगी जिथे मेरी धी राज करेगी राज किनू राज करवा रहे हो मां जी मैनू यह दस शानो तू लेट क्यों आई इहदे च शानो का कोई कसूर नहीं मां जी मेरी तबीयत खराब सी मैं ही कॉलेज लेट पहुंचिया तेरी तबीयत खराब सी वे क्यों खराब सी तेरी तबीयत नौकरी करनी हो तो तबीयत से जरा कंट्रोल रख नहीं तो छुट्टी दे देंगी ठीक है मां जी मैं कॉलेज टाइम सिर अपड़ जाया करांगा वो भावे मेरे सह क्यों ना उखड़ दो रब ना करे चंगा फिर रब रख भाई शिदा बेगम का घर कहना वो जी घर से हो पर तू की काम है मैं शिदा बेगम को मिलना चाहना हला ते हुणे ही मिला देने जनाब मां जी की गल है की गल है ठीक है तुहानू मिलना चाहते ने लो भाजी गल कर लो तू कितों आया पुत्रा मैनू सेठ साहब ने भेजा तो मेरे नाल चलो ना ऐस वेले तो मैं नहीं जा सकती तू पता दे जा मैं पहुंच जाऊंगी हेलो कार्ड तो जरा जल्दी पहुंच जाना अच्छा शानो शानो पुत्र जी मां जी ए देखे ना जरा कार्ड से की लिखा है सेठ क्रीम बख्श मैंने क्या बहन जी अंदर लंग आओ कमाल अजे तेनू ए नहीं पता खैर कल एक कुड़ी का रिश्ता चाहिए है या मुंडे का छानबीन तुसी पहले शुरू कर दी वो ऐसे सेठ साहब
कि आज के दौर च किराएदारों को कोई धू चित्र हानी नहीं करता। ऐ छोटी मेरी जाति मलकियत भैन जी, तो कला कला मेरा पुत्र जो रिश्ता लगन लिए मैं तुम इतने छड़िया। कारोबार से अपना ही पर रिश्ता लगन तो पहला मेरी कुछ शर्त नहीं। शर्त काम जरा इधर कर जरूरी पता चलिए। अच्छा जी गुरु वाले मनाना क्या काम, मेरा काम ही बड़ा औखा है। मैं तेरा इनाम जब देगा जब तू मैं इस काल नहीं लिया जा सवेरे बनने की तैयारी करो। मैं बड़ी छोटी इस घर की जरूरत लग जाए जी। भाई जान मां जी आए ने कोई चाशा लैके आ। अच्छा भाई जान माशाल्लाह भैन से तेरी उम्र की रानी है। रब दे नसीब चंगे करे मां जी। आओ इतने बैठो। तस्वीर है मुंडे की। अमीर प्यो का कला पुत्र है, ना कोई ननान ना कोई सास। खैर मैं ना अपना कारोबार कर बैठ देख तुम। मुंडा ते सोना है मां जी, पर कार मेरी औकात तू बहुत उच्चा है। देखे ना बड़े कहते ने भैन ब्याहनी होवे तो उच्चा घर देखो, ते मुंडा ब्याहना होवे ते गरीब गरीबा के घर जाएगा। जवाई तो आओ जी आया ना बिस्मिल्लाह। तो जे किसी अमीर के घर ब्याह गया तो अगले नीली फटी नहीं करानी जवाई फिरदा रहेगा। देखे ना उन्होंने शराफत की कसम मैं कली नहीं पूरा शहर खांदा। तेन यह कुछ चंगा रिश्ता फिर तेन लभना। मां जी तुसी आपदा की मां बन के जो भी फैसला करोगे मैनू मंजूर है। मंजूर गल हो ना मुंडिया सादा हो गई है, यह तो बड़ी खुशी की गल है। देखे ना सारा जग जानता अज जिन्हें भी रिश्ते कराए ने ना धी के पुत्र समझ के कराए ने। वो ऐस लई मैं तो आप ही आवा दी। जी की हाल है ताडा? ठीक वो वेखना जी तानू वेख ली ना बस है तैयार हो गई है। मां जी कोई नेक ते चंगे चंगे भारी चंगे किस्म दे रिश्ते मथे लाई ले जा मालका। ये फीका आ गया तू तो? मां जी हुक्म ताडा होवे तो फीका टाइम सिर ना पहुंचे ये किसला हो सकता। बह जा पुत्र बह जा। अच्छा जी बह जा ले फीका जी। तू मेरे मजाज को तो समझना। आहो जी चंगी समझना। जे कभी मैं पुत्र समझ के तेन डांट देवा तो बुरा ना मनाया कर। मां जी मैं चंगी तरह समझना वा देखो ना तुम मुंह के बड़ बोले जरूर हो पर दिल दे ते बुरे नहीं ना। ना 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 दिल भी बुरी नहीं। बिल्कुल नाश्ता करके जाओ। नहीं बाजी मैं भूख नहीं। चल मीरा चलिए आप तो उतो कुछ खा लेंगे जरूर। अच्छा मां जी अच्छा वालेकुम सलाम बानो जी। मां जी ले मेरे लिए भी नाश्ता तैयार कर दे। गिलास दुध ते बंद ते मक्खन ला के ते दो अंडे फ्राई कर दे। ना ना
अंडे ना फ्राई करी ऐवे खा खा फजूल खर्ची अंडे ने उन्होंने घरों खा लेंगी मेरे कपड़े भी तैयार कर दे ते कोई आवे ना उदा ना पता जरूर लिख ली मैं ना वो सेठ करीम बख्श के पुत्र दे दिन मिथन जा रहा है छन छन ते चांजर ते चांजर बोल पई ओ ते चांजर बोल पई तनु तकिया झलक छन छन ते चांजर बोल पई छनक छन छन ते चांजर बोल पई ओ ते चांजर बोल पई की गल
भाईजान? मैं धन भरा बन के नहीं, मां प्यो बन के पाले आपदा। ते झूठ असली ना बोली के झूठ बोलने लगिया, जबान में कई बल पैंदे रही। बस कितों आई मैं बाबर को? तू क्यों जे प्रहार पहले मां प्यो बन के सच बोलने का हुक्म सुना दिता, सवाली बन के ताडे कोल आ रहे ने। फैसला तेरे हाथ च, जे तू चाहे ते बाबल बन के ती दियां खुशियां मेरी झोली च पा सकन, ते ना चाहे ते अपने निकाल दे सोले चढ़ सकन। नहीं नहीं, जे तेरी यही खुशी है कि मैं बाबर दे कार वाले दी चोली तेरी खुशियां दा शगन जरूर पावांगा, जरूर पावांगा। आपदा उदो तक पूरे वांजी नींद नहीं आंदी, अंग अंग टुटदा है पिया तो तोड़ के पेड़ा लावांगा। अच्छा ओए पारे ते 5 रुपए घट ने ताजी मेहरबानी। चलो कोई गल नहीं, फिर आ जाएंगे। एला फड़ पूड़ी ते नीवा नीवा होके इतो नस जा। दस ओए तेरे पुलवान का नाम की? उसका नाम बिला पहलवान है जनाब। कानून बिल्लिया मुजरम की अख विच अख पावा ते जुर्मां की तादाद मेरे पैर च दिख पैंदी। मैं एक शरीफ शहरी आ बेगर साहब, कोई मुजरम नहीं। मकाने हेरवन ते करने शराफत दे दावे, अपने माल की बरामदगी आपे करवा दे, मैनू तलाशी ना लैनी पवे। बेगर साहब सबूत के बगैर किसी नू मुजरम कह के तो दे कार दी तलाश बिस्मिल्लाह जरूर तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब तलाशी लै तो पहला मेरे नाल एक वादा करो, इथों तुहानू जो कुछ मिलेगा वो तुसी थाने दी चार दीवारी अंदर महदूद नहीं रखना, हुकूमत तक जरूर पहुंचाना है। मैं तेरे नाल वादा करना बिल्लिया, तेरे जुर्मां दी तहरीर हुकूमत तक जरूर पहुंचावांगा। फिर मैं भी तुहानू यकीन दवाना इंस्पेक्टर साहब कि अज मेरी जिंदगी दे हर जुर्म दी तलाशी तुहानू जरूर दियांगा, जरूर दियांगा। आइए तशरीफ लो। देखो इंस्पेक्टर साहब, इन्ना यतीम ते बेआसरा बच्चों तुहाडे मास्टरे ने गंदगी का ढेर समझ के फुटपाथा दे नजर कर दिता सी। मेरा पहला जुर्म है इंस्पेक्टर साहब कि मैं अपने मुलक की तकदीर को फुटपाथा तो चुक के अपने सीने नाल ला लिया। इन्हां मासूम बच्चों पाकिस्तान का शरीफ शहरी बनने का रस्ता बताया। जे मैं यह जुर्म ना करता इन्हों ने भुख नंग से दुखा की दोपहर कटद्या कटद्या चोर बदमाश से कातल बन जाना। साहब लो तलाशी, इन्हों की तलाशी लो, शायद तुम्हें पिले के जुर्मा का सुराग मिल जाए। ये सिर्फ एक शहर की कलेक्शन है भाईजान, बाकी शहर की तो मैं कट्ठी करके ले आवांगा। मैं अब जूंदा रहो, अब बब्बी आया नोट अंदर सेफ च रखिया। आंदी ते असी ये कारोबार मुल्कों पार भी पहुंचाना। मैं तैनू इस जान च जिंदा छड्डांगा तां लवो डिप्टी बिल्ले। मैं
ਵਰਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈ ਵਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਕਰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? एक गल का ख्याल रखिए अकबर खान, मैं अपने इलाके के कातल को ब्याज देने का तो सोच सकता हूं, लेकिन किसी मंशियात फरोश को अपने इलाके बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी वो खुश हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो कही उदे ते अमल भी करी। थोड़ा तारफ मैनू जगती बिल्लो कहते ने। अपने इलाके च बिले का बड़ा ना है सर। किस सिलसिले में है ना? मैं बुराई से बुरे लोगों का दुश्मन ना सा बहादुर, जिते तुहाडे कानून की सोच नहीं पहुंच सकती उत्थे इस बंदे दे कदम पहुंच जाते ने। हीरोइन ने जिहड़ी तुहाडे इलाके विच विकदी है जनाब। क्यों अकबर खान? हो सकता है सर कोई लुक छुप के या कारोबार करता हो। लुक छुप के नहीं जनाब, खुल्ला खुल्ला होता है। थाने मंथली तो मिलती है। देख सी तू उन मुजरम मैं मिला सकना? मैं बुराई की खबर देने आया तुम्हें, कानून हाथ में मैं नहीं लेना। उन्होंने फड़ना तुहाडा कम है, इस जहर का कम रोकना तुहाडा फर्ज है। जे तुहाडे कोल यह फर्ज पूरा नहीं होता फिर यह फर्ज अदाई मैं पूरी कर। मैं रब राखा रब राखा। इस विंगे बंदे का जोग्राफिया की? जोग्राफिया का तो सर पता नहीं, पर यह भी कभी पेटी बंद होता। एक दिन गर्मी खा के पेटी आई जी साहब की मेहर से सुत के चला गया। ठीक, तेरे खेडन का बड़ा मजा आएगा। इन्हें झूठिया हड्डिया चबन वाले होंदिया भरा की बह वडा के आ गया। बब्बी दस होए बिले की दहशत तो डर गया सी या तेनू अपने भरा की ताकत का अंदाजा नहीं सी रहा? मैं बिले को भरा की बह कट्टी जान का यह जहन इंतकाम लवागा जो दिया नस्ल भी याद कर। बदमाश का पता दसो है जिन्हों तुसी कहते हो। छेती दसो है जे तुसी ना दसिया तो मैं इलाके जी कैंप बना देंगा। वो जी कैंप वाला आजाद बिल्ले वेखण तो पहला टिक पैना हो गए इतने वे वो नहीं बोली दे बछड़िया। बिलिया पुतलिया बिलिया जवान तू जजी की एक बाह कटके रखिए वह अपनी दोवा बाह कटके मेरे पैर सुट दे टुंडा भर के इतों नचा। पता नहीं की करांगा। ए बावा लगता रब दियां दित्तियां हुई नेमतां होंदियां ने। कुंडा मैं तैनू भी नहीं कढ़ना चाहता, पर तैनू जुर्म की सजा जरूर मिलेगी।
ਕਾਲਜ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲੇ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ सच नु काबू नहीं कर सकते सच काबू नहीं हो सकता आज मैंने यह तो दस वीरा तू रोज तैयार होके कितने चला जाना वे जे मैं ना दसा तो फिर मैं तेरे नाल बोलना छोड़ दें ओए यार जरूर ना करी ना दो जे भैणा वीर ना सोचा ना तेरा भरोस कर ना भी मैं तेरे नाल वादा करना वा कल तक जरूर दस देंगा कि मैं कितने जाना ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਵਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਲੈ ਦੱਬਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੀ ਮਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈਆਂ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖ ਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਡੋ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ ਡਿਪਟੀ ਬਲਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਸਰ ठीक है मैं तेनों हीरोइन दे जुर्म में गिरफ्तार करना वा बिले और मैं गिरफ्तारी देने तो इनकार करना हीरोइन मेरी नहीं इसे भी साजिश लगती है डिप्टी कादर के सामने अपने जुर्म का इनकार करना कोई सौखी गल नहीं ते फिर बिल्ले नू नजायज हथकड़ी लाना दादी औखी गल नहीं मैं ठीक कह रहा डिप्टी साहब किसी बद्दी टोपी वाले ने तुहानू वर्दी ते दे दित्ती पर अफसोस है कि तुहानू परखण वाली अख नहीं दे सकिया बिल्ले बिल्ले ठीक कह रहा डिप्टी साहब तुसी अपने बद्दियां ते फुल बदाण लई ए हीरे ना पेड़ ते पाइए इनका कड़ी ला लो ਇਹ ਹੱਥਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਿਦਰੀ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ऐवे नहीं सारा शहर तुहाड़ी बहादुरी दे कलमे पढ़दा भाईजान। क्यों ना पढ़े बबी, असी टिप्पी ते बिल्ले की दुश्मनी दी हो जई बुनियाद रखी है कि होना तो इट खड़का लगता रहेगा। इट खड़का दसन तेन यह आया वहां जाइया लाड़िया कि तू डकैती की जंग चार के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जब तक के तू पुलिस की रेट की मिलनी ना कर ले। तो फिर जा पहले कब्रिस्तान दिया दिल्ली जाए देर पा के आ जिदे मैं तीन दे चना भी तोड़ने दे। कानून का एक काला जेवर अपने हाथी पा लो है जलता बुआ थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शागा को लोग गिरफ्तारी की खरात मान के फकीर बाबा लगाए दू दू टिप्टी क्या क्या शागा की ललकार का जवाब गोली ना दे टिप्टी। मैनू भी पता लगे कि बहुता असला तेरे कानून को ने या मेरे को। तेनू जिंदा गिरफ्तार करना मेरे लिए बड़ा बड़ा एहसास है डाकुआ। जे मैं गोली का आर्डर कर दिता तुहाड़े सारे दिया कबरां असले ते स्क्रैप पीस बन चुकियां। फिर कानून का दायरा जिना तंग कर सकना है तंग कर ले दिती बात कुछ चलिए। जिस उड़न खटोले ते बह के उड़ रही पंछिया हेलो दे परमल से देख ले। फिर एक चोरी करके खलो टिप्पी और मैं कानून बनाने वाले आनू तेरी लाश का नजराना भेजन लगा वहां एक्शन। चार दिन वर्दी का पार चुके जिंदा रहना चाहना है डिप्टी फिर इन्होंने नाल मैनू भी गोली मार दे। जे मैं जिंदा रहा तो मैं तेरी दुनिया हनेर कर देंगा हनेर कर देंगा। हाँ अकबर खान की खबर है? बड़ी अजीब खबर शाकर रहा हो गया अज ही जमानत हुई है। ये परेशानी वाली कि गल है? कहने के मुताबिक परचा तो बड़ा टका के किया पता नहीं किमें जमानत हो गई है। अकबर खान जेल का एक दरवाजा कानून के कई दरवाजे होते हैं। जेल के एक दरवाजे चो बंद होने वाला कानून के कई दरवाजे चो बाहर निकल जाता है। इस लई फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं। उसे डिप्टी कादर की भैन है जिन्हें तुम गिरफ्तार किया। डिप्टी खान तेरी भैन हूं बचाएगा तू मैनू डिप्टी खान की भैन दस के मेरे अंदर इंतकाम की अग फड़का दीती है। हूं मैं 9 महीने के अंदर आगा इस कली बना देगा।
बेमाना कर दिए मेरा जवानी
छानी ना कर। दुआ करके मैं छेती तो छेती
बाबर की जमानत का इंतजाम कर सका। बाबर कैदी हाजिर है जनाब, जिन्हें कानून की रियासत चो नसर की जरूरत की। चल बेड़ी तेन क्यों लाई? बुढ़ापे कानून दिया वसाखियां पंगूड़े की दौड़ पै रही होनी है जल कि दूरी कानून का इंतजाम करो। इधरे तैनू भी किसी शायद की लोड़ ना पै जाए। गुलाम समझा के रख जल अख मिलेंगे दूरी पावगा साथ बोलेंगे कार कटांगा कार कटेगा जबान बच जाएगा भूली पाएगा अक्टूबर टूट जाएगा। शेर नु जंजीर जकड़ के लांगा चंगा नहीं लगा जेदर। इमरान यस सर, एदी बेड़ी ना दिती जाए। लै भाई कह दिया अज तो तेरी ते कानून दी दौड़ शुरू हो गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुहानू वेखन आया वा, मैं तुहाडे कोल बह जावा। क्यों नहीं बह जा, मेरी नवी अम्मी कितनी सोहनी है। अम्मी? आहो अम्मी, मैं ते मेरे डैडी किन्ने खुश नसीब हाँ। ऐ की कह रहे हैं, ते कौन है तू? ऐ ते मेरे डैडी आके दसनगे कि मैं कौन हाँ, पर मेरे डैडी नूं ते अखां तों नजर ही नहीं आंदा। हाँ जे वड्डे अब्बू नूं पता चल गया ते क्यामत आ जाएगी। हुण मैं चलना वा। मेरी एक गल याद रखो, मापिया के घरों धिया दिया डोलियां उठिया, सहुरिया के घरों जनाजे उठे, जनाजे उठे, जनाजे उठे। दरवाजा मैं बंद करनी है, तनु चिटकनी नहीं लगनी। ऐसी कह रही है आपका? तीन नकाब लुकान की खातर चौथा नकाब चेहरे ते ना पाओ सरताज। मैंने तुहाडी सारी हकीकत का पता लग गया। तुसी पहला शादीशुदा भी हो, एक बच्चे दे बाप भी हो, मेरी हकीकत पहली बन के तेरे सामने आ गई। आता तकदीर में कोई बारिश है मेरे को, मेरी बीवी तेना अखों का नोट ही खोलिया है। जे तू चाहना तो मासूम बच्चे ने
ज्यादा प्यार भी दे सकती है, सिर्फ पन्ने के लिए दुनिया की रोशनी हो सकती है। फैसला तेरे हाथ से आता तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो सरताज। मैं औरत हूं जिरा एक भी ऐब खामत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तड़े सारे दुख अपनी चोली पाके बच्चे ने मां का प्यार भी दियांगी, इस घर दी खुशियां भी वापस लेके आवांगी। पर रब दा वास्ता जे कुछ दिन ली मेरे पाई जान ऐसे हकीकत का पता ना लगन देना। आपका राजी पुत्र आप है, आपका भी होना आ रही है कि आपका नहीं नाश्ता हमको पता चल का मैं तो आपका और कोई टाइम रहा हूं। नवाजी है बंदी किस काबल है जी, तुसी हुकम करो बेगम साहबा। मैंने अपने हीरे वर्गे पुत्र ले नकीने वर्गे कुड़ी चाहिदी है, ओदे मां पे भावे गरीब होन या अमीर कुड़ी खूबसूरत होनी चाहिदी है। ओ इसलिए कि साडे कोल इज्जत दौलत ते शरत दी कोई कमी नहीं। मैनू तेरा रुतबा मकाम ते जरूरत समझ आ गई है। बेगम साहबा ए लो पढ़ो, ऐसे भी जो तुसी अपनी नौ पसंद करो ते रिश्ता मैं करवा देंगी। मैं अपनी पसंद फोटो से तेरी फीस का निकाह पा दिता है ते हुण इस फोटो वाले नु मेरे घर की सौनक बना।
थी मेरी धी बानू की फोटो है बेगम साहबा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। पर बेगम साहबा कितने जमीन कितने आसमान, मैं एक गरीब बेवा ते तुसी अमीर, ताड़ा छाड़ा मेल किवें हो सकता है? नहीं ऐ हीरे दी अंगूठी जब तुसी मेरी नूह दी उंगल च पाओगे ना ते अमीरी गरीबी दे फासले आपे खत्म हो जाएंगे। मैनू रिश्ता मंजूर है, शायद तकदीर ने मैनू इस गल का सिला दिता है कि मैं अज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, वो ऐसे कि मैं आप ही आवा ली हूं। रिक्शा ओके शानू खुदा हाफिज। आसफ के प्यार इंतकाम की शक्ल तू दिती है शानो, अज मैं अपने इंतकाम की ताकत का निशान तेरे दुपट्टे तो जरूर लवांगा। जिस घर का चौकीदार जागता होवे उस घर नूं तेरे जिहा बगैर तू सन नहीं ला सकता। ओए कोचवाना मैं तेरे इस नमक हलाले की जुरत नूं तेरी मौत की आखिरी हिंदकी बना देना। ओए ओए कोचवान नूं गाल कढ देनी ते बड़ी सौखी पर चन्न ते कमल पानी बड़ी औखी पुत्रा। वो घर जा शानू मैच बगैर का निशान मिटा देंगे। गुस्से च किए हुए फैसले नुकसान भी होंगे ने वीरा, सानू तेरी सलामती की जरूरत है, आ घर चलिए। शानू बानो बानो बाहर बानो, आज तेरी मां तेरे लिए सारी दुनिया की खुशियां ले आई है। मैं ज्यादा मतलब नहीं समझ जेड़ा दिन देखने लिये मैं अपनी अखा च खुशियां ने मेले च जाए सन रबो दिन ले आए नहीं। मैं तेरा रिश्ता कर आई हूं सोच की लग पी है तीरे नहीं तू तो बड़ी खुश नसीब है यहो जहा रिश्ता मैं तेरा करके आई हाँ यहो जहा रिश्ता तो मैं कभी किसी का नहीं कराया। नहीं जब तक मैं तेरे हाथों में इस शगना की अंगूठी नहीं ना पावगी तेन यकीन नहीं आना। देख तो सही अंगूठी बने देख तो सही कमाल है। इनू की हो गया शानो मैं तेरी बाजी का एड्डी चंगी थां रिश्ता करके आई हाँ एड्डे अमीर ने उन्होंने कोठियां कारा तो दौलत का कोई शुमार ही नहीं ते आ खुश होने की बजाय रो रही है। रिश्ता करन तो पहले बाजी के चेहरे से उसकी मर्जी की तहरीर पढ़ ली होंगी तो अज बाजी दखा चो हंजू का बन कभी ना टूटता। ले मैं उसकी मां हाँ उसकी मर्जी खाम खाई देखिए ठीक है की जमाना आ गया आज अपनिया जमिया मापिया ने भी अपनिया मर्जिया दसन लग पे। तुसी ठीक कहते हो मां जी जे बंदे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर रब नू कौन याद करे। इनू क्यों हो क्यों रो इस घर की हो गया है धियां से धियां इस नौकर में मेरे किते रिश्ते की खुशी नहीं हुई। ठीक बानो तू बानो मां के किते हुए फैसले ठुकरा के असूलों की कंध टा के हमेशा हमेशा भी तेरे को आ गई है। फिक्या फिर मेरा फैसला भी सुन लिया बानो जे तू अपनी मां के घर की दलील टप के मेरे को आ सकनी है तो कल मेरा बुआ टप के किसी होर को भी जा सकनी। बानो मेरिया धियां कुरान पाक पढ़िया हुई ने ते पांच वक्त दिया नमाजना ने नमाजना ओ
भैन शीदा इंज लगता है मेहमान मंदी लेके आ गए ना। मैं तो पूछ रही कि मेरे दिल से की बीत रही है ना, मैं पूछूंगी कि बालो कितने भी बस इना दस दे सानू कि सारे कई शगना की मेहंदी दे के आए गए वो कि हथा से लावा। तेरी उदो अख खुली है मां जो तेन इस घर की बर्बादी का शीशा नजर आने लग पे। जे तू रिश्ता करन तो पहला धी की चुप की जुबान समझ नहीं होती ते अज बाजी तेरे किए हुए फैसले की हटा के फीके की बात कभी ना भरती। चुप कर जा चानो, चुप कर जा। मैं तो पहले कि मैनू लोगों ने ताने दिया उंगलियां गिरनिया पैन मैं अपने अमलों की किताब रख दें। मैं कबरदार नेरा मान ला बाजी। नहीं मां जी नहीं, फीके दे हुंदिया इस घर च खुशियां की बजाय मातम नहीं हो सकता। तुहाडी इज्जत जिस तरह हनेरे की पुकल मार के मेरे घर तक पहुंच गई सी इनू उस तरह मैं वापस ताटे बूहे से लैन दा। तू ना करो के मेरे से एडा वड्डा एहसान कर दिता है कि आज तू बाद तेनू नौकर नहीं पुत्र कहने जी करता है। नौकर नू नौकर ही रहन दियो मां जी, अदलां दे लिखे हुए फैसले कभी नहीं बदले जा सकते। तुसी बानों दे हत्था ते चावां दी मेहंदी सजा लवो, वो बाकी गरीब के दिल का की वो तो टुटना भजता ही रहा। अपनी बाजी कह दे ठीके के प्यार को देने की गलत फहमी के गुंजल समझ के ऐसे ही भुल जाए। फैसले के डोली च बहन लग्या मैं एदिया अखा च हंजुआ की कतार में देख सकती हूं। ठीके की उदीस नहीं
ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਜੁਰਮ ਉਹਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕੀਤੇ। ਦਸ ਤੇਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਬਿਗ ਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸੂਆਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਵੈਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਚਿਫਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚਾਲ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ। ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਈ ਕਬਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਖੌਫ ਦਾ ਜਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਲਮਾਨ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ।
तबीयत बड़ी खराब है। बाजी अज मेरे लिए गुड्डी पटोला जरूर लिया। बाजी अज मैं किताबा के यूनिफॉर्म में जरूर आ। तफ्तीश कोई कसर रह गई सी डिप्टी जी फिर पूरी करना आ गया। तफ्तीश पूरी हो गई है। मैं तेरे गुट वाली काला सेवर लेके आया वहां। जबान संभाल के गल कर डिप्टी। तेनू कानून ने नहीं गुफ्तगू किस तरह की जाती है। तेरे अलावा कोई हाई ऑफिसर भी होंदा तो मेरी जबान का लहजा यह रहना सी। लगता है वर्दी तेरे पिंड में चुगड़ लग पई है। तो मेरी सर गल कर डिप्टी। मैं तेन सलमा की मां से भैन के कतल च गिरफ्तार करने ले आया वहां। डिप्टी सबूत है कि सलमा की मां भैन का कातिल जरूर मर्शो। इस कतल का ऐनी गवाह मैं आप हाँ। गिरफ्तार कर लो इन। सौदा तेन बहुत महंगा पेगा डिप्टी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। जिंदा रहे माँ जी। मैं तुहाड़े कोलों एक ब्यासरा नूं आसरा देण दी इजाजत चाहना वा। ए कौन है पुत्रा? इहदा नां सलमा है माँ जी। यतीमी दी मौत रब ने इहनूं पहले तो ला दित्ती है। इहदी बुढ़ी माँ ते मासूम भैण कानून शिकना इतों मारिया गई ने। तो मैं अपने फर्ज को जिंदगी देंदिया देंदिया उन्होंने जिंदगी ना बचा सकिया। तेरे दुखों की दास सुन लीए धीए। तू कोई फिक्र ना कर। तेन इस घर चो मां का प्यार भी मिलेगा तो जीवन साथी भी। मैं तेनों हमेशा हमेशा लिए इस घर का चानन बना लागी। लाडो लाडो जी। मां जी जी। पुत्र सलमा नु अपने कमरे में ला जा। ए आज तो इस घर की इज्जत भी है ते तेरी सहेली भी। अच्छा मां जी। याद करेंगी इसलिए मेरे च लवा दिया। लाल खान तेरी जमानत हो गई। नहीं बलाल खान ने तो कभी किसी का एहसान नहीं लिया। जमानत किने करा दी? जे तुझी यार किसी का एहसान करते रहते हो तो तेरे ते भी कोई एहसान कर सकता है। उसका नाम है पीनो। इतने अखां लखां की लोगों में खेदन नहीं आया। तेरे को एक सवाल।
हाल पूछने आया है। जे मेरे दिल की धड़कन मेरी जुबानी तेरे तक नहीं आती तो फिर तू सवाल कर, मैं जवाब दे। मेरी जमानत तो कराई है। जे मैं कहूँ तेरी जमानत मैं करवाई है तो फिर अपने एहसान का मुल दस। इस लई के बिल्ले ने कदी किसे शरीफ का एहसान अपने से नहीं लिया, तू तो फिर नचण वाली है। नचण वाली के सीने च भी दिल होता है जेड़ा धड़कता दी है महसूस ही। दिल एहसास ते जमीर ये शरीफां दी विरासत है, कंजरां दी नहीं। केड़ी शरीफां दी गल करना बिल्लिया, जेड़े रात के हनेरे च शराफत ते तमाशबीनी दी बुकल पा के आंदे ने ते कंजरां दे कोठे ते अपने खून की सुगात पा के टुर जांदे ने। दस बिल्लिया मैं उन्हां शरीफां दा की ना रखा। तू उन्हां दे की ना रखने ने पीनो, मेरिया नजरां विच ते ओह जलील ने बेगैरत ने जमीर फरोश ने और लोग जड़े अपनी निशानियां तोहफा समझ के इतने छड़ जाते हैं। पर बिल्ला तेरे इस एहसान का तोहफा अपने कोल बहुती देर तक नहीं रखेगा। जिन्ना मर्जी पीनो दे प्यार तो मफरूर हो जा बिल्लिया, एक ना एक दिन मैं अपनी जुल्फां का कैदी तैनू जरूर बना।
तेरी जमानत हो गई है भाईजान। के बिल्ला जेलो परी हो के आई गया है ते मेरे इंतकाम दी जेल तो परी नहीं हो सकता। कितने हो चुके जानी है माई तमीज नाल गल कर दे मेरे जो इधर नौकर अगो हट मैं अपनी धी का मुकलावा लेना है। ये कोठी कल तक उन्होंने को किराए से सी रातों रात कोठी खाली करके चले गए ने। वे किथे चले गए ने? ये हकीकत है माई दौलत को कारां दे लाले च जाके धी ते तू इसे कोठी च वियाई सी जे ओदा मुकलावा लेना है ते हीरा मंडी फरोदा बाई दे कोठे चली जा। You
घर पर आईया आवन जाइया कह गए लोग सियाने घर पर आईया आवन जाइया कह गए लोग सियाने हास खोवण वाला जग ने खुशियां कदे न माने हास खोवण वाला जग ने खुशियां कदे बदमाशा को डरती होंगी अज हर कोठा जुए की बैठक तो बदमाशा का डेरा बन जाता अच्छू इस तो पहले कभी काफी मैंने पनेरी से रिश्ते की पहचान बुला दे इन लै जा पैरेदार बन के साडे सामने खलोना तू मेरे एक इशारे नाल मौत दी गोदी जट पैने ओए जे गाली ते मैं तू अपने प्यार नु लेके जा रही हां कंजरीए जे तू साडा राह डक्कन ले करेले गोश्त खाण आले दी कंध खिला सकदी ना खिला ले तू आ भन्नू पैर ओए पिल्ले बदमाश दी इंतकाम हो रहे चटी से पत्ता तो एडी आसानी ना लैके इनू तुर जाने ऐ किने हो सकता इनू छट के पल भी आगे तो निकल जाए इतने साडा इंतकाम किले तो पहले तेरी मौत का बन जाए वो जेब कोठे में तुम मौत का मैदान बना ही नहीं आजे फिर अज ताडे गंदे खून बगैर दी कन्ना जरूर रंगा बकवास बंद पिछे भाई मैं तेरा यहोज हशर करांगा कि तेरी लाश में वेख के बनो तकी तेरे वरद तेन पछाड़न तो इनकार कर देंगे Thank you.
बिरला है? आहो, बिरला मैंने कहते हैं, पर तुम्हें की होया है? सिर भी नंगा है, दुपट्टा। दुपट्टे की कीमत जानना है? आहो, जे दुपट्टा किसी दुकान से होवे वैसे दी कीमत बड़ी मामूली होती है मां जी। हां, जे दुपट्टा किसी धी भैन से मां के सिर से होवे फिर तो यदी कीमत कोई दे ही नहीं सकता। फिर मेरी धी के दुपट्टे सिक्कड़ में रुलण तो बचा ले पुत्रा। उस मजबूरी की वजह दस मां जी, जिन्हें तेरी धी के दुपट्टे बेवैती दे चिकर तक पहुंचा दिता है। अपनी धी ने चंगा रिश्ता लभदी लभदी अपनी अपनी धी का ब्याह करके उन्होंने बेवैती दे अन्ने खूह च सुट बैठी आ। धी का मुकलावा लैन आई हाँ तो पता लगा धी के सारे गुनाहों ने कारोबार के बड़े बड़े ठेकेदार ने। समझ लै पुत्रा, मैं अपनी बहनों उस बेगैरती की जेल विचों आजाद करवाना चाहनी हाँ। उन्होंने बेगैरतों के नाम दसते मां जेड़े तेरे बुढ़ापे नूं फरेब दे के तेरी धी कोलों शराफत खोना चाहते हैं। मेरी धी की सस बन के मेरे बूहे से चुकन वाली का नाम फिरोजा बेगम है पुत्रा। फिरोजा बेगम नहीं मां, फिरोजा भाई को। मां जी ने भैन के सामने तेन मेरी भाभी बनाने का फैसला कर लिया। तेरे चिप्टी भाईजान ने की फैसला किया? मां जी के किए हुए फैसले तो मैं किवें इनकार कर सकना वा सलमा। Thank you.
चाहिए तेनों मैं अपना रिश्ता लगन की खेचल ही नहीं दी सुहागन भी हो गई Thank you.
डिप्टी साहब। कादर खान इंतकाम दाओ तूफाने दौलत खान नहीं ते शाह के दर निशान मिटान तो पहला किधरे मैं तेन उड़ा के ले जावा। अच्छा तू गलत फहमी की पट्टी खोल के देख डिप्टी, तेनू तेरी मां का कातिल शाका नहीं पिंडा नजर आएगा। झूठ बोल के अपने किराए के कुत्ते की जिंदगी ना बता। अजैब केस किसी शरीफ आदमी से पा दिता जाए जो तेरे जे अफसर का दुश्मन बन जाता है। तेरी मां के भैन का कातिल शाका नहीं पिल्ला है। पिल्ला आप जल्दा ना जे तेन फिर भी यकीन ना आए तो मैं शाके में आप तेरे इंतकाम की सूली चढ़ा देंगा। बेदनाई की सजा का हुक्म सुन के जेल जाना पसंद नहीं किया। बना ले हुए शराफत की इस चार दीवारी में जा मोहतरमा सानू एक जिला नामी मजदूर की तलाश है जी दौड़ थोड़े दरवाजे से आके रुकी है। माफ करना थानेदार साहब, एक शरीफों का कार है, मजदूरों की तलाह गाने कानून की जिस गोली ने वही लत घूम के खून की लकीर छी थी उदो इंसान थोड़े गोड़े भी मौजूद ने फिर मैं हथ पड़ी लाने खाने का था। मैं थोड़ा मतलब नहीं समझा ऐसी क्या घर भी मेरा है क्या खून के निशान भी मेरे पैरों के जिदा सबूत मेरे जख्मी दस है। मैंने थोड़ी गल का यकीन आ गया बिल्ला वाकई इतने नहीं आए मेरे नाल। मेरे वाल आने वाली मौत का रुख मैं किसी होर पास मोड़ दिता पनाह मंगन वाले हूं तू इतों जा सकना है। भैन भरा का रिश्ता खून की बुनियाद से होता है तो जरा खून तू मेरी जिंदगी बचा ली या जमीन से रो रहा है वह खून बिल्ले के सिर से कट दे। भैन भरा दे मुकद्दस रिश्ते की जे वक्त ने कभी अजमायश ली तो मैं अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक तेरी अजमत को कुर्बान ना किया तो तू मैंने प्राण ना आखे पाना मैंने प्राण ना आखे इस दोज़ख विच नहीं रह दिया था नहीं रह दिया था। कंजरा भी क्रिस्ट जो कुड़ी कट के ला जाना वो नहीं औखा पिलिया जिन्ना पुल सराब तो लंघना औखा। कंजरा का यह जुलूस देख के साबित हो गया है कि हुण इस बाजार विच कोई भी बेगैरत पिछे नहीं रहा। अज मैंने तुहाडियां लाशां तो टप के भी भैन नू ले जाना पिया फिर ले जाऊंगा। दुश्मन होवे मेरा ते कंजरा दिया पुलिस गोलियां इहदा सीना किवें चुम सकदियां ने। इहदी छाती ते गोलियां दा हाल मैं आप पलावांगा।
दलदल विचों कट लैण दिओ, नहीं तो इस बेगैरती दे सैलाब विच डुब जाएगी। ओए तेरा काम नहीं साडा है। जे तुसी इस काबल हुंदे ते आम शहरी नू कानून अपने हथ च लैण दी कदी जुरत ना हुंदी। गिरफ्तार करके तेरी जिंदगी दे चंद सा होर बता दिते ने। जिंदगी मौत दे रब दे हाथ विच, इजराइल बनन दे साहब कदों तो वेखने शुरू कीते ने। अज तो बन गया मां Thank you.
और तमाशा के रूप में देख के बड़ा ही अफसोस होया। इन दोनों अलग अलग कोठरी बंद कर दो, ले जाओ। इनकार तेरी मां से सुन सकती है बाना, रोजा भाई नहीं एने कुंगरू अपने पैरों पा के नचे नचे राजा नहीं एने हिस्से की कुंगरों की जोड़ी मैनू दे दीदी एनू नचाण के ख्वाब देखने छे जे तू एनू जबरदस्ती नचन से मजबूर किया तो याद रखू ऐसे कुंगरुआ की आवाज बिने ने सेन गन की आवाज में बोलना चाहिए घरों बना के इज्जत नीलाम कर दी जो रखी थी आवाज हर की माफी आखिरी हिस्सी बना दिया Thank you.
ظلم کماندے نے مظلوماں دے ہاتھ لٹ کے اپنے جشن مناندے نے اے جگ دیاں ظالم نظراں نظراں نہیں شمشیراں نے چھنن چھنن چھن بولے گھنگھرو छन बोले घुंघरू नहीं जंजीरा ने शर्म हया थी मेरा गहना तोड़ दिता तकदीरा ने छनन छनन छन बोले घुंघरू नहीं जंजीरा ने शर्म हया थी मेरा गहना तोड़ दिता छनन छनन छन बोले घुंघरू जिथे आए गया तो फिर वापस चला जाए इसलिए जेल तोड़नी तो सौखी है पर कंजर की गिरफ्त च अपनी भैन ले जाना चुप कर जिस वेले भैन दिया सिसकियां गैरतमंद भरावान के कन्ना तक पहुंच दिया ने उस वेले जेल से की मौत के फरिश्ते को अंबोलत मंग के भी भरा भैन के सिरा से हम खिलाते ने जे अपनी भैन की फरियाद सुन के आई गया तो फिर असं तुम मौत के थमरी पा देंगे अपनी दहशत से बेगैरती की पुकर मार के इतों वापस चले जाए नहीं तो इस कोठे को तेरी कबर बना देंगा कबर मैं तुम यह मौत मारा कि अंजाम देख के शराफत क्यों मिट्टी ले पाएगी सामने वेख के तेन तरेलियां क्यों छुट पे बिलिया तेन किसी गलत फहमी ने मेरे सामने लिया खिला दिया ते फिर जाके अपने असली दुश्मन नहीं मेरे हथों पे मौत कजान उस सामने वेख के चोर का बिर क्यों शुरू कर दिते गए मैंने तेरी मकरू शकल चो अपनी मां ते भैन दिया लाशा नजर आ रही ने खुदा गरी के रहमत करे तेरी मां ते भैन पर यकीन कर मैं तेरी भैन ते मां नु कतल नहीं किया दो एक सौ एक बारी यकीन दुआ मैं 302 बारी तेनु कतल समझ के मार देने बिलिया Thank you.
सलमान 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 सलमान
अपनी मौत नू हैरत नाल नहीं ढको, मैं अपने प्यार की मौत का बदला भी लगा, अज मैं अपनी इज्जत वाल हथ बता दी छुड़ा भी देंगा। ओए तू जिंदा किवें बिल्ले, साडे वल्लों ते तू मर चुका है, तैनू डिप्टी कादर अपने खानदान का कातल समझ के लगता फिरता है। ये बकरी गंदे के कादर खान की मां के इना मजबूत हत्ता ने बेले नो दुश्मन तो मेरा सचल बना के और मैं तेरे सड्डे लाशां दा कब्रस्तान बना देंगा। Thank you.
असल काम ते हुण शुरू होया बलाल खान।